इतनी सॉफ्ट लग रही है बिल्कुल मक्खन जैसी सॉफ्ट लग रही है। इतनी सॉफ्ट फेशियल से पहले आपको नहीं लगेगी जितनी सॉफ्ट आपको फेशियल के बाद लगेगी। कितना अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो कि हर किसी की ज़रूरत होती है और हर किसी को आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है, होममेड फेशियल, जिसमें आपके एक रुपये भी खर्च होने वाले नहीं है। बिल्कुल 100% नेचुरल है और इतना इफेक्टिव है कि जब आप एक बार यूज़ करोगे फिर आपको पता चलेगा। कहने सुनने पे मत जाना, खुद यूज़ करना फिर देखना। अगर आपको फ़ायदा ना करे तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ये इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपकी स्किन के टेक्सचर बदलने वाले हैं। अगर आप अपने स्किन पे दाग धब्बों से, काले दाग धब्बों से, ब्लैक हेड से, वाइट हेड से परेशान है, ओपन पोर्स से परेशान है, तो आप इस फेशियल को वीक में 2 times यूज करके देखो, आपको रिजल्ट लाइव मिल जाएगा। फेशियल है कौन सा जानना चाहते होंगे तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कितना इसमें एक रुपया भी खर्च होने वाले नहीं है, बिल्कुल होममेड है। और उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है तो पहले एक बार आप इस पे नजर डाल लो। फ्रेंड्स, होममेड फेशियल पैक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा पका केला चाहिए, जो कि मेरे पास है अभी। एक अच्छा सा पका केला चाहिए। उसके बाद आपको इस तरह से 3 बाउल चाहिए जिसमें कि आपको अपना फेशियल का सारा स्टेप तैयार करना है। एक में आपको स्क्रबिंग तैयार करना है, तो स्क्रबिंग के लिए आप क्या करेंगे, जो चीनी का जो हल्का दरदरा पाउडर आता है वो हल्का सा दरदरा पाउडर लेना है, ठीक है। ये मैंने इसमें ऑलरेडी करके रखा है, आप देख सकते हैं ये हल्का सा दरदरा है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, आपको दरदरा पाउडर लेना है। इसमें आपको डालना है 1/2 केला, क्योंकि इसमें जितना भी स्टेप हम करेंगे सारे केले के साथ ही करेंगे, तो 1/2 केला देंगे आप इसमें। और ये हमारा हो गया स्क्रब रेडी। उसके बाद हमें तैयार करना है जेल, तो जेल के लिए हम फिर 1/2 केला इसमें डालेंगे। ये रहा, इस 1/2 केले में हम डालेंगे हनी। तो मेरे पास जो हनी है वो 100% नेचुरल है, हनी डालूंगी। आपके अगर स्किन पे हनी सूट नहीं करता है आप हनी स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हनी डालो, ठीक है। तो मेरी स्किन पे सूट करती है क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैंने इसमें हनी डाल दिया। थोड़ा सा इसमें और हनी डाल दूंगी मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेल तैयार। और अब हम फाइनली तैयार करेंगे पैक, जो कि हमें लास्ट में लगाना है। तो पैक बनाने के लिए फिर से हमें चाहिए केला, तो इसमें मैं डाल दूंगी ये इतना केला डालना कि आपके स्किन पे अच्छे से लग जाए, ऐसा ना हो कि आपके स्किन पे कम पड़ जाए। और इस केले में हमें जो डालना है वो है मुल्तानी मिट्टी, तो यहाँ पे आप मुल्तानी मिट्टी भी उतना डालेंगे जितना आपके स्किन पे अच्छे से हो। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डाल दी, थोड़ा सा और डाल दिया बस। और अब इसमें जो हम डालेंगे वो है ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ये मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम जेल में भी डाल देंगे एलोवेरा जेल, बस। आपको समझ आया? मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। स्क्रबिंग के लिए हमें चाहिए 1/2 बनाना, थोड़ा सा दरदरा चीनी का पाउडर, ये हो गया हमारा स्क्रबिंग। उसके बाद हम लगाएंगे अपने स्किन पे जेल, तो जेल बनाने के लिए आपको फिर से 1/2 केला चाहिए, थोड़ा सा हनी डालें। अगर आपके स्किन पे हनी शूट नहीं करता है तो आप हनी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जेल रेडी हो गया और जो हमारा फाइनली पैक है, तो पैक में हम फिर से डालेंगे मुल्तानी मिट्टी, केला एंड थोड़ा सा एलोवेरा जेल, बस ये हमारा हो गया पैक रेडी। सबसे पहले हम स्क्रबिंग को इसी स्पून से मैं इसे अच्छे से मैश कर दूंगी, ठीक है। आप अपना हैंड भी यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसका अच्छे से पेस्ट बना सकते हैं, जेल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जेल बनके तैयार है। और इसी अभी हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से इसमें घुल जाए, जो हमारी स्किन पे फायदा करेगा। और अब जो हमने ये जेल बनाया है, तो जेल को बनाना को भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। हमारा जेल भी बनके रेडी है और अब हमारा फाइनली बनेगा पैक। पैक को भी हम इसी तरह से बनाना को अच्छे से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पैक भी अच्छे से बनके रेडी है, ये हमारा जेल बनके रेडी है एंड ये हमारा स्क्रब बनके रेडी है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे यहाँ पे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए हमारा जो यहाँ पे ये जेल तैयार था ये हम लेंगे और बस जेंटली, आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, जेंटली आपको अपने हैंड से रब करना। आप दोनों हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे एक हैंड से ही कर रही हूँ। लाइव मिलता है देखने को। सो मुझे ये फेशियल करने में बहुत
बहुत मजा आता और मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज इस फेशियल को ट्राई करो और आईज के पास भी आप इसे अच्छे से इस तरह से रब करेंगे। मेरे इसी में आपको दांत भी दिखाई दे रहे होंगे बट ये कुछ नहीं है, इतना था सारा मेरे बनाना ने इसको खत्म कर दिया। केला जितना हमारे बॉडी पे खाने के बाद फायदा दिखाता है उससे भी ज्यादा फायदा ये हमारे स्किन पे दिखाता है जब इसे हम अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टेप क्लीन हो गया एंड उसके बाद आप थोड़ा सा नेक पे भी आ जाएंगे क्योंकि नेक को भी इस तरह से रब करना बहुत जरूरी है। फेस आपका क्लीन दिखे और नेक आपका ब्लैक दिखे ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता आपकी स्किन पे। तो एक बार इस तरह से हम नेक पे भी हैंड चला लेंगे। इसे आप चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं बट अगर क्लीन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दूसरा स्टेप करने में। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये वाइप्स था इसे मैं क्लीन कर लूँगी। आप बस स्क्रब से ही स्किन पे फर्क देख सकते हैं। अभी दो स्टेप बाकी है। पहला स्टेप में रिजल्ट आपको दिख रहा था, एलोवेरा जेल एंड हनी, ये हमारा जेल है जो कि हम पैक से पहले लगाएंगे। तो बस अगर थोड़ा सा ये दरदरा टाइप है तो इसको आप अच्छे से अपने हैंड से प्रेस कर देंगे तो ज्यादा स्किन पे अच्छे से लगेगा। और अब हम कर लेते हैं मसाज। ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन स्किन हर स्किन पे ये सूट करेगा, ठीक है। सो ऑयली स्किन वाले भी यूज करें, ड्राई स्किन वाले भी एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी, सारे स्किन पे ये सूटेबल है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये जेल लग गया अच्छे से और अब हम 5 मिनट ऐसे ही अपने स्किन को छोड़ देंगे ताकि जेल के जितने भी गुण हैं वो हमारे स्किन के अंदर जा सके। ये नहीं कि लगाया और फटाफट उसको क्लीन कर दिया, ऐसा नहीं करना है। और इस फेशियल के दौरान आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको कोई भी स्टेप करने के बाद अपने फेस को पानी से वॉश नहीं करना है। या तो आप वाइप्स ले लेंगे उससे क्लीन करेंगे, अगर आप वाइप से क्लीन नहीं भी करेंगे तो आप यूं ही छोड़ देंगे, कुछ ऐसा नहीं है। आप पूरा फेशियल हो जाएगा फिर आप पानी से एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद आप फेस वॉश बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आपको 24 आवर्स के लिए अपने स्किन पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, आई मीन फेस वॉश टाइम, ठीक है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. तो 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको कॉटन के कपड़े से भी नहीं पोंछने वाली हूँ, ये ऐसे ही रहेगा। इसी के ऊपर से हम लगाएंगे अपना पैक क्योंकि हमने जो जेल लगाया उसमें एलोवेरा जेल है, हनी है एंड बनाना है। अगर हमारे स्किन पे ये रहेगा उसके ऊपर से हम पैक लगाएंगे तो ये भी हमारे स्किन के अंदर जाएगा और वो भी जाएगा तो डबल फायदा होगा। तो बस अब हम पैक लगा लेंगे इसको बिना पोंछे। तो पैक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर ये जो हमारा पैक बना हुआ था इसको हम एक बार फिर से हैंड से इस तरह से मैश कर लेंगे ना हो बिल्कुल अच्छे से ये मैश किया हुआ हो और हमारे स्किन पे अच्छे से लग जाए। तो बस हम अपने स्किन पे से लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से पैक लगा लिया। आपको ये पैक जब लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये होगा कि कहीं पे केला लगेगा कहीं पे मुल्तानी मिट्टी लगेगा, तो ये होता है क्योंकि हम केला के साथ मुल्तानी मिट्टी मिक्स करते हैं क्योंकि मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल हमारा फाइन पाउडर रहता है और केला हमारा दरदरा टाइप रहता है, चाहे आप कितना भी मैश कर लो तो इस टाइप से लगेगा। अगर आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में जेल बना लेंगे उसके बाद आप केला मिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा मुल्तानी मिट्टी के साथ। तो अगर आप वो करने के लिए आपके पास टाइम है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह करें तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। सो बस अब हम अपने इसे स्किन पे 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे, पक्का 20 मिनट के लिए, उससे पहले स्किन से नहीं हटाना है। और 20 मिनट के बाद जब हम इसे रिमूव करेंगे तो आप रिजल्ट खुद देख लेना। तो 20 मिनट हम कुछ भी कर लेंगे, गाने सुन लेंगे, कोई बुक पढ़ लेंगे, कोई काम कर लेंगे, बस 20 मिनट तक इसे हम छोड़ देंगे। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का।
चुके हैं और ये केला हमारे स्किन पे ड्राई नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप 30 मिनट भी रख लेंगे तो केला ड्राई नहीं होगा। तो 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, अपने हैंड से एक बार अच्छे से मसाज करना है। इसको पोंछना नहीं है फटाफट, इसको अच्छे से पहले मसाज देना है, ठीक है। और अब जो हमारी स्किन पे फायदा करेगा वो पैक लगा के 30 मिनट रखने के बाद, 20 मिनट रखने के बाद भी नहीं करता जितना फायदा ये इस तरह से मसाज करने पे करता है। तो मसाज करना आप इसके बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब कर लेंगे अपने स्किन को क्लीन। या तो आप जाके मुंह धो सकते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे पोंछ लेती हूँ फिर बाद में मुंह धोऊंगी। और अब आप खुद देख लीजिएगा इसका रिजल्ट, ये देखिए। क्या इस फेशियल से पहले मेरे स्किन पे इस तरह से क्लीन क्लीन दिख रहे थे आपको? नहीं दिख रहे थे, आप मानो ना मानो नहीं दिख रहे थे। और अब देखो आप, ये देखो दिखा ग्लो, ये होता है बनाना फेशियल पैक का ग्लो। और इसे मैं बहुत टाइम से यूज कर रही थी, बट आज मैंने सोचा ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करूंगी, तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब मैं बोलूंगी कि प्लीज आप लोग ट्राई करना इसे, ये देख लो। नो मेकअप अगर स्किन इज नॉट ग्लो करे तो भैया हमें फाउंडेशन की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, हम तो यूं ही चमकीला स्किन लेके घूमेंगे। क्योंकि फाउंडेशन लगा के स्किन को कितना भी चमकाओगे पर जो स्किन में ब्लैकनेस है वो तो फाउंडेशन उतरने के बाद दिख ही जाएगी ना। तो डेड स्किन को, ब्लैकनेस को, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स को इस फेशियल से आप जरूर रिमूव करिए और स्किन पे आप इस तरह से लाइट ग्लो देखिए। इतना ग्लो कहाँ था, मैं तो आपके सामने विदाउट मेकअप थी और सारा कुछ कर रही थी, अब देखो ग्लो और तब का ग्लो। करेंगे अपने पानी से फेस को क्लीन, तो एक बार मैं क्लीन करके आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना फेस क्लीन कर लिया है और आप फेस का ग्लो देख सकते हैं कितना जबरदस्त ग्लो आया है। और उसके बाद आप इस तरह से सुखी टॉवल से फेस को पैट ड्राई करेंगे, घिस के ड्राई नहीं करूँगा, इस तरह से आप ड्राई कर लेंगे। इसलिए आप जरूर ट्राई करो, बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। मैं तो आप लोगों से बोलूंगी आप लोग जरूर इस फेशियल को ट्राई करो यार, इसमें कोई खर्चे नहीं हो रहे हैं, होममेड है, नेचुरल है और ये जरूर आपके स्किन पे फर्क दिखाएगा, ठीक है। फेशियल हो जाएगा तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, अब सबसे लास्ट और बहुत ही जरूरी है फेशियल के बाद, वो है अपने स्किन पे कोई भी ऑयल लगा देना। आप आलमंड ऑयल ले लो, आप विटामिन ई ऑयल ले लो या फिर आप ऑलिव ऑयल ले लो, पर तीनों ऑयल में से कोई भी एक ऑयल से आपको स्किन पे हल्के से इस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, बस ज़रा सा लूँगी क्योंकि ज़्यादा ऑयली ऑयली भी फेस को नहीं करना है। तो क्योंकि आपने पार्लर में भी देखा होगा कि कोई भी जब हमारे फेशियल लगता है हमारे फेस पे तो मसाज होता है लास्ट में, तो बस थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है और इस तरह से आप थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लेंगे अपने हैंड में, यानी कि थोड़ा सा गर्म कर लेंगे इसे और बस अपनी स्किन पे इस तरह से जो स्किन मेरी सॉफ्ट लग रही है बिल्कुल मक्खन जैसी सॉफ्ट लग रही है। इतनी सॉफ्ट फेशियल से पहले आपको नहीं लगेगी जितनी सॉफ्ट आपको फेशियल के बाद लगेगी, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आइस के पास लगा लेती हूँ। अब हमारी स्किन बिल्कुल रेडी है और जब अभी आप सोओगे और मॉर्निंग में उठ के देखोगे अपने स्किन पे इतना और फर्क नजर आएगा, क्योंकि जितना ये स्किन टाइम लेता है फेशियल के बाद उतना ही ग्लो खिल के आता है हमारी स्किन पे। सो गाइस,
गाइस आप इस फेशियल को एक बार जरूर ट्राई करना। तो क्या करना है पता है ना आपको, प्लीज मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी तो जरूर बजाना, घंटी बजाना मत भूलना, और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली को भी इस फेशियल पैक का फ़ायदा मिले, क्योंकि 100% नेचुरल है, कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं इसमें। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड कॉमेंट करके बताना आपको मेरा ये फेशियल कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और हमें दुआओं में याद रखना। बाय बाय।